हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अब आप अपने घर पर ही रहते हो ना, बाहर खेलने तो नहीं जाते? बाहर नहीं जाना, इससे बीमारी होने का खतरा होता है। ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, प्यासा कौआ। गर्मियों के दिन थे, एक कौआ जिसको बहुत प्यास लगी थी, वो इधर उधर पानी की तलाश में उड़ता रहा कि कहीं पानी मिलेगा और वो पी लेगा। काफ़ी देर तक वो उड़ता रहा, पानी की तलाश में घूमता रहा। काफ़ी देर उड़ते उड़ते उसको एक ज़मीन पर मटका नज़र आया। नीचे उतर के देखा, उसमें पानी था लेकिन बहुत कम था, पानी उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने देखा कि मटके के आसपास कुछ पत्थर पड़े। उसने कुछ पत्थर डाले मटके में और पानी ऊपर आ गया। इस तरह उसने दो तीन बार कोशिश करी, पत्थर डालता गया और पानी ऊपर आ गया। ऐसे करते करते जब पानी उसकी चोंच तक पहुंच गया तो उसने पानी पी लिया। ऐसे उसकी प्यास बुझ गई और उसे बहुत अच्छा लगा और वो फिर दोबारा से फुर्र से उड़ गया। देखा आपने, उसने कितनी कोशिश करी और फिर अपनी प्यास बुझा ली। आप भी अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहो, आपको फिर अगली क्लास में भेज दिया जाता है ना? ठीक है बेटा, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? अब यही कहानी आप अपने मम्मी पापा को भी सुनाना। ठीक है, ओके, बाय।